आई एम सॉरी मम्मी पापा, यानी मम्मी पापा मुझे माफ़ कर देना। शायद मेरी किस्मत में यही लिखी थी। अपनी जान देने से पहले एक नवविवाहिता ने दो पन्नों का सुसाइड नोट लिखा। उसने अपने पति को धन्यवाद करते हुए गुस्सा कम करने की सलाह दी, अभिभावकों से सामान्य जीवन जीने की अपील की। इन सारी बातों को लिख हमेशा के लिए वह इस दुनिया को छोड़ चली गई। उसकी मौत के पीछे ऐसी क्या वजह रही होगी जो सभी के सामने अनसुलझी कहानी बन चुकी है। दिल को झकझोर कर देने वाली खबर झारखंड के पलामू से आई है। एक नवविवाहिता ने दो पन्नों में अपनी मौत की वजह लिखी, लेकिन पूरी बातें स्पष्ट नहीं हो पाई कि आखिर उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। खबर को ध्यान से सुने। हर दिन ऐसी खबरें सुर्खियों में बनी रहती है जहां नवविवाहिता की मौत और हत्या हो जाती है। झारखंड के पलामू से चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां नवविवाहिता ने खुदकुशी कर ली। मृतका के शिनाख्त बिहार के गया जिला स्थित खिजरी सराय निवासी शिवानी मेहता के तौर पर की गई है। शिवानी के शव के पास पुलिस को दो पेज का सुसाइड नोट मिला। पहले पन्ने पर शिवानी ने लिखा है, सॉरी मम्मी पापा, मेरी किस्मत में शायद यही था। पति को सपोर्ट के लिए धन्यवाद देते हुए शिवानी ने गुस्सा कम करने की सलाह दी है तथा अपने अभिभावकों से सामान्य जिंदगी जीने की अपील की है। पुलिस इसे प्रथम दृष्टया खुदकुशी मान रही है। वहीं घर वालों ने शिवानी का कत्ल किए जाने की आशंका जताई है। गौरतलब है कि पलामू के पड़वा थाना क्षेत्र अंतर्गत गाड़ी खास गाँव में शिवानी का ससुराल है। यही संदेहास्पद परिस्थितियों में उसका शव मिला। पड़वा थाना प्रभारी नकुल शाह ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह खुदकुशी का मामला लग रहा है, किंतु हम हर एक एंगल से मामले की तहकीकात कर रहे हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि मौत के तीन दिन पहले शिवानी व उसके पति विकास के बीच मोबाइल पर आए किसी मैसेज को लेकर विवाद चल रहा था। शायद यही इस घटना का कारण रहा होगा। परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी खुदकुशी नहीं कर सकती, उसकी बेटी बहुत मजबूत थी। उन्होंने दामाद पर बेटी की गला दबाकर कत्ल करने का आरोप लगाया है। वहीं शिवानी ने अपने दो पेज के सुसाइड नोट में लिखा है कि वह सबसे बहुत प्यार करती है। शिवानी ने विशेष रूप से अपने पति का जिक्र किया, सपोर्ट करने के लिए उसका आभार जताया है। शिवानी का सुसाइड नोट एवं खुदकुशी की परिस्थितियों ने पुलिस को भी उलझा दिया है। यदि शिवानी सबसे प्यार करती थी, सब ठीक था, पति सपोर्ट करता था, तो खुदकुशी क्यों की, यह जांच का विषय है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नवविवाहिता की मौत पर परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। एक बेटी आज हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ चली गई। उसने ऐसा कदम क्यों उठाया, यह सभी के लिए प्रश्न हो चुका है, जिसकी गुत्थी सुलझाना बाकी है। झारखंड की सभी बड़ी खबरों के लिए झारखंड दृष्टि न्यूज से जुड़े। सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।